दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। कम लागत में कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप बीओपीपी टेप यानी सेलो टेप का बिजनेस कर सकते हैं। सेलो टेप की डिमांड पर नजर डाली जाए तो इसकी मांग बाजार में काफी अच्छी खासी है। सेलो टेप एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर, दुकान और ऑफिस में किया जाता है, इसलिए अगर सेलो टेप बनाने का बिजनेस कोई खोलता है तो उसे इसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सेलो टेप का उपयोग हर इंडस्ट्री में किया जाता है, चाहे वो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री हो या फिर फार्मा, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या फिर कुरियर सर्विसेज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हर इंडस्ट्री के द्वारा इन टेप का यूज किया जाता है उनके प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए। इसके साथ ही साथ सेलो टेप का यूज गिफ्ट के सामान को पैक करने, फूलों के गुलदस्ते को चिपकाने, शादी विवाह और जन्मदिन पे भी किया जाता है। आपको दूल्हे की गाड़ी सजानी हो या दुल्हन के लिए मंडप या फिर अलग अलग जगह झालर लगाने, ये सारे काम आप सेलो टेप के बिना नहीं कर सकते। इसके अलावा बिजली के तारों पे भी इसका उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे अपना सेलो टेप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीन की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल्स और मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे सेलो टेप को तैयार कर सकते हैं और टोटल कितनी लागत आएगी, तो वीडियो देखते रहिए। इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर से या किराए पर छोटे से कमरे के साथ भी कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इन मशीन को घर की बिजली पे भी चला सकते हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस के लिए 2 से 3 लोगों की भी जरूरत होगी जिनके जरिए आप बीओपीपी टेप को तैयार कर मार्केट में बेच पाए। दोस्तों अगर बीओपीपी टेप इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफी बड़ी है। बीओपीपी टेप मैन्युफैक्चर करने के लिए मेन जो मशीन आती है उसे बीओपीपी टेप कोटिंग मशीन कहते हैं, और इसका मेन जो रॉ मटेरियल्स होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट बीओपीपी, जो अलग अलग माइक्रोन जैसे 10 माइक्रोन, 12 माइक्रोन, 15 माइक्रोन इत्यादि में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और वही बीओपीपी टेप का रोल बनाने के लिए बीओपीपी टेप कोटिंग मशीन द्वारा बीओपीपी में एडहेसिव की कोटिंग की जाती है। इसका मतलब गम की एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे कि बीओपीपी एक साइड से गम वाला हो जाता है, और फिर तैयार बीओपीपी के रोल को अलग अलग कंपनियों के पास ऑर्डर के हिसाब से भेज दिया जाता है। लेकिन हम इन्हीं कंपनियों द्वारा तैयार बीओपीपी टेप के रोल को खरीद अपने ऑर्डर के हिसाब से काट मार्केट में सेल कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और हमें अपने बिजनेस के लिए ये रॉ मटेरियल्स बाजार में 110 रुपीज पर केजी से 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। आप ये मटेरियल्स अलग अलग टाइप में खरीद सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ब्राउन, रेड इत्यादि। ये बीओपीपी का रोल्स अलग अलग साइज में आपको बाजार में मिल जाएंगे, जैसे 26 इंच, 34 इंच, 45 इंच इत्यादि। दोस्तों हम ये रॉ मटेरियल्स केजी के हिसाब से खरीद सकते हैं, और हमें बेचना मीटर के हिसाब से होता है। और नॉर्मली बाजार में बिकने वाली एक बीओपीपी के टेप में 50 से 65 मीटर के आसपास टेप होता है, और वहीं बाजार में जो टेप बिकती है वो 10 या 12 माइक्रोन की होती है, यानी हमें ज्यादा जीएसएम वाले बीओपीपी टेप खरीदने की भी जरूरत नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि थिकनेस जितनी ज्यादा होगी टेप की उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। और दोस्तों हमें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी, यानी हम केवल 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको जो मशीन लेनी होगी वो है कोर कटिंग मशीन और दूसरी मिनी बीओपीपी टेप कटिंग मशीन। इन दोनों मशीन की सहायता से आप बीओपीपी टेप की जंबो रोल से छोटे छोटे रोल बना मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों कोर कटिंग मशीन के जरिए हम पेपर कोर के बड़े साइज को अपने टेप के साइज में काट लेते हैं, जैसे 1 इंच, 2 इंच या फिर 3 इंच। हमें बस इस मशीन के साथ में पेपर कोर को लगा देना होता है और साइज सेट कर देना होता है, और मशीन में कटर लगे होते हैं जिनके जरिए ये मशीन पेपर कोर के बड़े साइज से छोटे छोटे कोर काट देती है। और इस मशीन के जरिए हम 50 mm से 1300 mm के साइज में पेपर कोर को काट सकते हैं, और ये पेपर कोर आपको बाजार में 25 से 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। और वहीं दोस्तों मिनी बीओपीपी टेप कटिंग मशीन के द्वारा पहले काटे हुए कोर को मशीन के साफ में लगा देना होता है, और उसके दूसरे छोर पे बीओपीपी टेप के जम्बे रोल को लगा दें, फिर ये मशीन आपके साइज में बीओपीपी टेप को तैयार कर देती है। इस मशीन में बने पैनल में आप मीटर भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितने मीटर का टेप तैयार करना है, और मीटर पूरा होते ही मशीन रुक जाती है और आप तैयार टेप निकाल दोबारा से कोर सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन को आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अब दोस्तों इन दोनों मशीन के अलावा आपको अपने बिजनेस के लिए पेपर कोर और कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स की जरूरत होगी, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। पेपर कोर ऑर्डर करते वक्त ये ध्यान जरूर रखें कि आपको पेपर कोर के निचले सिरे में अपनी कंपनी का नाम भी प्रिंट करवाना है, या फिर आप जो पैकेजिंग बॉक्स यूज करेंगे उसमें भी आपको अपनी कंपनी का नाम प्रिंट करवाना है, जिससे कि आपकी कंपनी का प्रचार खुद ब खुद हो जाएगा। दोस्तों पेपर कोर का स्टैंडर्ड साइज 1000 mm यानी 1 मीटर का होता है, और ये आपको 8 mm, 10 mm या फिर 12 mm थिकनेस में मिल जाएगा। आपके मशीन में शाफ्ट का जो साइज हो उस साइज के हिसाब से पेपर कोर को ऑर्डर कर सकते हैं, और वही आपको एक बॉक्स में कितना टेप का रोल देना है उस हिसाब से कोरोगेटेड बॉक्स का भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 2 से 3 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। दोस्तों आप जहां से ये मशीन खरीदेंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी, और उनके जरिए इस बिजनेस की और
और भी ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको अपने ब्यूटीफुल टेप की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसकी मार्केटिंग के भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए आप किसी एक बंदे को हायर कर सकते हैं जो अलग अलग जगहों पे जैसे स्टेशनरी शॉप, स्कूल, हार्डवेयर शॉप, ऑफिस, कुरियर एजेंसी, फर्नीचर शॉप, डेकोरेशन करने वाले शॉप इत्यादि जगहों में घूम घूम के आपके द्वारा तैयार टेप की क्वालिटी का प्रचार करे और उनसे ऑर्डर लेने की कोशिश करे। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में नॉर्मली 20-25% का हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।